रेश भाई क्या कहेंगे जिस तरह से स्वर्गीय इंदिरा गांधी अस्पताल में कुछ दिनों पहले आपके दौरे पर एक मतलब कह सकते कि जो प्राइवेट एम्बुलेंस चलाया जाता था वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। एम्बुलेंस के लोगों का आरोप है कि मतलब कि वहाँ पर जो एम्बुलेंस चलाए जाते थे लोगों की सुविधाओं के लिए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की वहाँ पर लापरवाही थी प्राइवेट एम्बुलेंस वाले? देखिए IGM में जो मेरी विजिट थी ना वो IGM के तमाम कामों के विषय में थी। और सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि पूरी तरह से झूठ है कि IGM में प्राइवेट एम्बुलेंस की एंट्री बंद की गई। प्राइवेट एम्बुलेंस वहाँ आ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से IGM के बाहर खड़े रह के जहाँ पे पेशेंट जैसे ही आए वहाँ पे वॉचमैन को सेट करके, स्टाफ को सेट करके, वो पेशेंट को पकड़ के उससे किसी भी तरह के पैसे वसूल के उनको लेके जाना, वो अब नहीं हो सकता। आज मुझसे यूनियन के लोग भी आए थे तो मैंने कहा था आप मुझे बताइए फिक्स रेट आपका क्या है, आप रात के 2 बजे का रेट अलग, 4 बजे का रेट अलग, 6 बजे का रेट अलग, छुट्टी के दिन का रेट अलग, ऐसा नहीं चलेगा। और सबसे पहली बात IGM की और सरकार की जिम्मेदारी है कि वहाँ पे जो है एम्बुलेंस और ड्राइवर अवेलेबल रहे। हुआ ये था कि क्योंकि प्राइवेट जो ऑपरेटर है वो भी कॉन्ट्रैक्टर है, उसके ड्राइवर और प्राइवेट एम्बुलेंस के ड्राइवर मिल के ऐसा कर रहे थे कि वो जो 4 ड्राइवर थे वहाँ पे अपना फ़ोन बंद रखते थे, रिपोर्ट नहीं करते थे काम पे, और वो सोते रहते थे और प्राइवेट एम्बुलेंस वाले चलते थे, गवर्नमेंट की नहीं चलती थी। तो हमने वो 4 लोगों को सस्पेंड करा के गवर्नमेंट से नए ऑर्डर्स जो है हमने निकलवाए। ये सरकारी ड्राइवर्स है अभी, और आपने देखा होगा कल रात में भी अगर आदमी 2 बजे गया तो उसको एम्बुलेंस मिली। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये है कि पहले सरकार की एम्बुलेंस पूरी तरह से चले। मैंने भी एम्बुलेंस दिया है, महेश चोगले जी ने भी एम्बुलेंस दिया है, हमने गवर्नमेंट से एक नई एम्बुलेंस लाया है, ऐसे 3 तो नई एम्बुलेंस है, 4 पुरानी है जो ख़राब रहती है। मैंने अभी कहा है IGM से आज मीटिंग में कि उसको स्क्रैप कर दो ताकि उनका इशू ही नहीं उठे, वो लाएगी नहीं चलने की। उसके बाद 108 की 2 सर्विसेज है यहाँ पर, यानी 108 को कॉल करेंगे तो वो 2 डेडिकेटेड है भिवंडी शहर के लिए। ये सबको चलने नहीं दिया जाता है। देखिए 2 एम्बुलेंस 108 की, एक हमारी महेश चोगले जी की सरकार की, 5 एम्बुलेंस तो है ही, 2 ड्राइवर आज है आपके पास, 108 के अपने ड्राइवर है, तो प्राइवेट एम्बुलेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? मेरा सवाल ये है एम्बुलेंस प्राइवेट जा सकती है लेकिन एक्सप्लॉइट नहीं कर सकती, कोई भी चार्जेस नहीं भर सकती, मांग सकती। दूसरा एक रैकेट हमने देखा कि एम्बुलेंसेस फिर है ना पेशेंट को कलवा और मुंबई ले जाने की जगह पे प्राइवेट क्लिनिक पे ले जाते हैं, उस वक्त उस पेशेंट को मजबूरी में पेशेंट रहता है, उसको कैसे भी फुसला के बोलते नहीं तुम्हारा तो कलवा में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, मुंबई में नहीं होगा, तुमको हम ले जाते हैं फला हॉस्पिटल में, जिमका हॉस्पिटल में, इसको कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। ये देख कर एम्बुलेंस वालों को कहा गया कि आप अपनी जगह पर खड़े रहिए, आप अपनी पार्किंग का इस्तेमाल इंतज़ाम कीजिए, आपको कॉल आएगा आप कॉल देंगे तो आप आइए पेशेंट को लेके और लेके जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये उसकी हकीकत है। विधायक जी जिस तरह से आपने कहा कि कलवा तक की, लेकिन शहर में देखा जाए तो जो IGM के डॉक्टर हैं वो लोग मुंबई के लिए रेफर कर देते हैं, ऐसे में जो पेशेंट है उनको तकलीफों का मतलब उठाना पड़ती है कि उनको थाना ले जाकर फिर आपको मैं यही विषय मैंने जो है यहाँ पे सरकार के अंदर जो कमिश्नर है उनके पास लिया था, उन्होंने लिखित रूप से दिया है कि सरकारी एम्बुलेंस मुंबई तक जाएगी और सरकारी एम्बुलेंस मुंबई तक जा रही है। यहाँ पर नहीं भेजी जाती है? बिल्कुल भेजी जा रही है, मैंने कल भी पेशेंट देखा। होता ये है कि जैसे भी कल का पेशेंट था उसका सिर्फ फ्रैक्चर था तो मुंबई रेफर नहीं होगा, वो कलवा ही रेफर होगा, तो ये उनका प्रोसीजर है कि कलवा अगर रिफ्यूज़ करता है तो मुंबई रेफर होगा। तो ये सिस्टम को हम लोग सुधारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ IGM में नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में ऐसा होता है कि एक जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को ही रेफ़र करता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफ़र नहीं लेता है तो मेडिकल कॉलेज को जाता है। तो ये सिस्टम को सुधारने के लिए सिर्फ इधर के लिए नहीं, पूरे महाराष्ट्र में सुधारने के लिए हम लोग जो है पूरा राजेश जी से बात करके सिस्टम को सुधार रहे हैं। सड़क की बात करेंगे, जिस तरह से देखा जाए शांतिनगर की जो सड़क है वो उसका काम तो किया जा रहा है, तरह तरह की बातें भी आ रही कि वर्क ऑर्डर नहीं हुआ है, और आपने 17 करोड़ रुपये जो है उस RCC रोड के लिए कई बार अपने व्याख्यान में बहुत सी जगहों पर कहा, तो क्या माजरा है उसके बारे में बताएंगे? 17 करोड़ और डामरीकरण करना, देखिए कैसा है कि रोड की हालत ख़राब है, ड्रेनेज वाले ने रोड खोदा है तो सर कॉरपोरेशन को चाहिए था कि उसे बनाए, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको ये MMRDA का 17 करोड़ का ऑर्डर दिखा रहा हूँ। एकनाथ शिंदे जी से मेरी मुलाकात हुई थी दिसंबर के अंदर, और उन्होंने मुझसे मैंने कहा था कि मुझे 10 रोड को पैसा मत दो, थोड़ा थोड़ा एक दो करोड़ मेरे को शांतिनगर के लिए 17 करोड़ दीजिए। उन्होंने ये देखिए फरवरी महीने के अंदर 17 करोड़ 3 लाख को पास किया, फिर
MMRDA ने जो है लिखा कॉरपोरेशन को कि आप डिज़ाइन दो, अभी तक कॉरपोरेशन से कोई कोऑपरेशन नहीं है। तो अब मेरी मुलाकात हुई थी आज से एक महीना पहले श्रीनिवास जी जो नए MMRDA कमिश्नर हैं, तो ये 17 करोड़ का रोड कैसा बनेगा, उसके रास्ते के नीचे क्या क्या है, स्टेम की लाइन है, पाइप लाइन है, ड्रेनेज है, ये सब की डिज़ाइन अब MMRDA खुद बना रहा है। मैंने आपको लेटर भी दिखाया कि MMRDA कंसल्टेंट अपॉइंट कर रहा है। ये बड़ा रोड है 17 करोड़ का और बहुत से उसके अंदर अंडरग्राउंड यूटिलिटी है जिसके लिए कॉरपोरेशन के पास कोई मैप नहीं है। तो अभी कंसल्टेंट अपॉइंट करके वो टेंडर कंसल्टेंट बनाएगा, क्योंकि ये टेंडर पे चाहता हूँ अच्छे से भरे। कितना समय जाएगा फिर भी आपको क्या लगता? मुझे लगता है 2 से 3 महीना इसमें जाएगा। इसमें कोई मतलब मैं कोई गुमराह नहीं कर रहा हूँ, जो जो प्रोसीजर हो रहा है मैं बता रहा हूँ। और पैसा लाने की जहाँ तक बात है, वो 17 करोड़ का काम हो जाता अगर यही डिज़ाइन कॉरपोरेशन दे देती। तो क्या कहेंगे जिस तरह से कॉरपोरेशन की लापरवाही भी यहाँ पर देखने मिल रही है? भिवंडी शहर में बच्चे से भी पूछेंगे तो कॉरपोरेशन की लापरवाही आपको बोलेंगे। मुझे ये कहना है कि MMRDA के ऊपर डिपेंड ना होके रोड को, MMRDA CC रोड बनाने वाली है, उसको मोटरेबल कौन करेगा, उसको गाड़ी चलाने लायक कौन रखेगा, वो कॉरपोरेशन का काम है। MMRDA ने CC रोड के लिए पूरा प्रोसीजर किया हुआ है और कोई ये नहीं बोल सकता कि MMRDA ने फंड नहीं दिया। मैंने लड़ झगड़ के, और मैंने ये भी कहा कि मुझे 10 रोड के लिए पहले मत दो, मुझे शांतिनगर के लिए पूरा पैसा दो। ये नहीं कि 4 करोड़ रुपया देंगे, 60 फीट का रोड हम 30 फीट का बनाए, उसके नीचे कुछ नहीं बनाए। अभी आप देखिए कि आप देखिए सलाउद्दीन का रोड बना हुआ है, सलाउद्दीन का रोड कंप्लीट करने का 3 पैनल के ऊपर इनका लीकेज निकला। किसका लीकेज निकला? कॉरपोरेशन का। आज भी कॉरपोरेशन को मैं मेरे लेवल पर फॉलोअप कर रहा हूँ, उनको पता ही नहीं लीकेज कहाँ से। तो ऐसे रोड कैसे बनाए कि नीचे क्या है पता नहीं, ट्रांसफार्मर है हटाने के लिए कोई नियोजन नहीं। शांतिनगर रोड में मैं वक्त इसलिए ले रहा हूँ कि जब तक अच्छा कंसल्टेंट अच्छी डिज़ाइन नहीं देगा, क्योंकि हमारा CC रोड शांतिनगर का रोड जो है, जिसको हम एक्चुअली बोलना चाहिए भारत रत्न मौलाना आज़ाद रोड, ये जो है 15-20 साल के लिए हमको बनाना है। अच्छा रोड सलाउद्दीन में हुआ, सब लोग जाके देखे, लेकिन क्या नीचे से लीकेज ही हो रहा है आज भी? तो ये मुद्दे है। ऐसा है कि राजनीति हर चीज़ में नहीं करना होता। ये इतने इसलिए चिल्ला रहे कि इनका 5 साल ख़त्म हुआ, अब इनसे कोई सवाल नहीं करे, इसलिए किसी को और का नाम लेना। भाई मुझे 5 साल भिवंडी नहीं दिए, भिवंडी को मुझ पर विश्वास है और मैं दिन रात और मेरी टीम मेहनत कर रही है और सारे इश्यूज पे काम कर रही है। अभी IGM की मीटिंग ख़त्म हुई, IGM के अंदर आज देखिए, मैं इंजीनियर रवीश और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करूँगा, उनके इंजीनियर डिज़ाइन बना रहे और हम IGM पे काम कर रहे हैं, उसको 200-300 बेड का बनाने की पूरी मेहनत कर रहे हैं। काम अगर आप 20 साल कुछ नहीं करो और अचानक किसी आदमी को ब्लेम करो, ये नहीं। शहर सब जानता है, भिवंडी शहर सब जानता है। 5 साल जिनका ख़त्म हुआ वो उनको अपना जवाब नहीं देना पड़े, इसलिए वो इस तरह का माहौल बना रहे। राजनीतिक लोगों से कुछ नहीं होता, यहाँ पर कंसिस्टेंटली हर जगह पे काम हो रहा है, पूरी टीम काम कर रही है। देखिए मीनाताई, मैं आज आप सबको असेंबली की प्रोसीडिंग दिखा रहा था। मीनाताई हॉल का पहला प्रश्न उठा था 2020 में 9 तारीख को, तब एकनाथ शिंदे जी ने अनाउंस किया था कि 10 करोड़ रुपया देंगे। उसके बाद मैंने सवाल दूसरे असेंबली में पूछा, ये 12वें महीने में पूछा, तो उस वक्त ये हुआ कि 10 करोड़ रुपया एकनाथ शिंदे ने जी दिया और उसमें ऐसा नाम एसोसिएट है कि शिवसेना फ़ौरन कार्रवाई करती है, लेकिन एस्टिमेट जो बना वो 14 करोड़ का बना। अब UD वाले बोल रहे 14 करोड़ का काम कैसे भी फिट कर दो 10 करोड़ में, और 10 करोड़ भी आए नहीं। मेरा कहना है कि एक बार हमारा ऑडिटोरियम नाट्यगृह बन रहा है तो वर्ल्ड क्लास बनना चाहिए। तो ये हम UD को बोल रहे हैं कि आप 10 करोड़ पे मत अटका रहो, ये जो हमने कहा है कि 14 करोड़ रुपये देना है वो 14 करोड़ रुपये पूरा दो। लेकिन ये शिंदे साहब से भी मैंने कहा है, अभी आदित्य जी टाउन में नहीं है, शहर में नहीं है, बाहर गए, वो आएंगे तो उनसे भी बात करूँगा मैं इस पर। सर एक सवाल ये भी है कि IGM में जो प्रेग्नेंट लेडीज़ को रिफ़र कर दिया जाता है, मतलब उतना भी इंतज़ाम नहीं है IGM में कि डिलीवरी का काम होता? देखिए IGM में 30 बेड है डिलीवरी के, मैं जिस दिन गया उस दिन 80 पेशेंट थे, 80। IGM पूरे तहसील को सर्विस कर रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर एक सेपरेट मदर एंड चाइल्ड केयर का हॉस्पिटल बनाना है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मैंने रिक्वेस्ट किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम में जाओ। मैं दिल्ली गया और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी यहाँ पे मदर एंड चाइल्ड केयर का अप्रूवल दे दिया, लेकिन उसके लिए 5 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत है। और यहाँ पे ऐसा हुआ है, आप सोचिए, अस्पताल के आजू बाजू कॉरपोरेशन ने इनक्रोचमेंट किया है,
उस दिन मैं गया तो देखा कोई पत्ते खेलते बैठे हैं, उनका कोई माली चौकी है, उनका कोई डिस्पेंसरी बना दिया है, उनकी वसाहत है लेकिन वो सीवन है, यानी एकदम खराब हालत में। तो अभी हम कॉरपोरेशन को, सरकार को, रवीश इंजीनियर की टीम, हम लोग सब मिलके आईजीएम के पूरे परिसर में कैसी प्लानिंग होनी चाहिए वो प्लान पूरा दे रहे हैं। और आपने डिलीवरी की जहाँ बात की, जहाँ 30 बेड है वहाँ अगर 80 पेशेंट आएंगे तो संभालना बहुत मुश्किल है। इसीलिए उस दिन जावेद हम लोग गए थे, हमने एक और वार्ड खुलवा दिया, पेशेंट को ऊपर शिफ्ट किया। आज इतने सालों से गायनेक नहीं था, 4 गायनेक आज अवेलेबल है। तो ये धीरे धीरे डेवलपमेंट चालू है और इम्प्रूवमेंट आईजी में होगा। आप बताइए, मैं हर महीने में एक बार तो बैठता हूँ, जाता हूँ, अधिकारियों से बात करता हूँ, प्रशासन से बात करता हूँ, यानी प्रॉब्लम कितने बड़े होंगे। तो इस पर कोशिश जारी है, आईजी में एक अच्छा अस्पताल बनाने की हमारी पूरी कवायद, तो होगा भी इंशाल्लाह।